सो गाइस कैसा लगा यहाँ पर सब चीजें तो बताना कमेंट के अंदर। अभी यहाँ पर आप में से कुछ ऐसे लोग थे जो कमेंट कर रहे थे जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर आईफोन 11 का बॉक्स डाला था और बोला था कि भाई अनबॉक्सिंग जल्दी आएगी, और माइक का भी मैंने डाला था, तो माइक से भी उसी रोड के माइक्रो से ऑडियो पूरा शूट हो रहा है, तो वो भी मैं आपको डिटेल बाद में रिव्यू बताऊंगा। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आईफोन 12 आ चुका है और आप आईफोन 11 की अनबॉक्सिंग डाल रहे हैं। एक होते हैं जो नया आईफोन लॉन्च होने का वेट करते हैं, और एक होते हैं उनमें से कि जो उनकी ओल्डर सीरीज है उनके प्राइस गिरे। सो जैसे आईफोन 12 लॉन्च हुआ उसी दिन आईफोन 11 की जो प्राइसिंग है 68,000 से लेकर, अमेजोन की बात कर रहा हूँ, 48,000 रुपीज पे आ गई। बहुत बड़ा लाइक 20,000 का डिस्काउंट ऑलमोस्ट कह सकते हो, और उसके बाद में कार्ड वगैरह का ऑफर लगाने के बाद में 45,000 रुपीज में मुझे आईफोन 11 मिला। जो सेकंड वाला पर्सन बताया ना जो प्राइस ड्रॉप की, वो मैं ही हूँ उनमें से, तो मैंने आईफोन 11 परचेस कर लिया। और दूसरा एक कमेंट था कि भाई ये वाला कलर क्यों परचेस किया आपने, वो ग्रीन वाला परचेस क्यों नहीं किया। तो मैं फ्रैंकली बोलूं मुझे एक्चुअली व्हाइट वाला कलर चाहिए था, बट वो अवेलेबल ही नहीं हो रहा था, पता नहीं बैक इन स्टॉक समथिंग कुछ तो आ रहा था, तो मैं बोला अभी जो ऑफर में मिल रहा है वो ले लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्चुअल में ये रिव्यू के लिए यूज़ करना है, आप लोगों को बताना है कि अगर आईफोन 12 आ चुका है तो क्या हम आईफोन 11 परचेस कर सकते हैं या फिर आईफोन 10R परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी प्राइसिंग 38,000 रुपीज पे आ चुकी थी और मैंने इसे 45,000 रुपीज में परचेस किया था। भाई जो मुझे आईफोन 11 मिला है उसका जो कॉर्नर एज है, जो इस तरफ यहाँ पर चीज है, देखो भाई वो ब्रोकन आया था। तो मुझे फोन तो मिला ही मिला, ब्रोकन वाला भले थोड़ा सा पार्ट टूटा हुआ था बट मिला, और उसी के बाद में अंदर हमें चार्जर भी मिला, 5 वॉट का बड़ा मतलब लाइक जो महंगा चार्जर है वो मिला हमें, और उसी के बाद में केबल भी मिला, और लाइटनिंग केबल का जो ईयरफोन्स आते हैं वो भी मिले, बट आईफोन 12 में ये सारी चीजें मिसिंग हो जाएगी। सो यहाँ पर जो अमेज़न का कांड है उसके बारे में तो आपको ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, और जो भी मेरे पॉइंट्स हो वो आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। तो अभी यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि भाई ये आईफोन 11 किस तरीके का है और आईफोन 10R से क्या फ़र्क है। तो देखो इन हैंड फीलिंग दोनों में मुझे कुछ अलग नहीं लगा है, सेम बॉडी स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर एक सिंगल आँख है और यहाँ पर डबल आँख दिखने मिलती है। सो इन हैंड फीलिंग तो देखो सेम निकल कर आती है, कोई बड़ा ड्रास्टिकली चेंज नहीं लगता, सिर्फ दो कैमरा वाला सीन है। इवन जो डिस्प्ले भी है आईफोन 10R और 11 की दोनों सेम लगी मुझे, उसमें भी कोई फर्क नहीं था। इवन जो स्पीकर्स है वो भी सेम देखने मिलते हैं, सेम जो क्वालिटी है, जो सेम वॉल्यूम देखने मिलता है, सो उसको लेकर भी कोई फर्क नहीं था। सो यहाँ पर 10R के अंदर हमें A12 की बायोनिक चिप देखने मिलती है और 11 के अंदर हमें A13 की बायोनिक चिप देखने मिलती है, जो दोनों ही काफी पावरफुल और काफी ज्यादा फास्टर देखने मिलती है। मेरे अकॉर्डिंग कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी, दोनों मेरे पास जो वेरिएंट है 64GB वाले वेरिएंट है। क्या हमें जो पबजी के लिए इनके साथ फोन लेने का सोच रहे थे, आईफोन में स्विच करने का सोच रहे थे, क्या आपको आईफोन 10R के पास जाना चाहिए या फिर आपको A13 की बायोनिक चिप के साथ जाना चाहिए आईफोन 11 के अंदर। सो मैंने जब यहाँ पर गेम प्ले किए थे दोनों के अंदर, तो आईफोन 10R के अंदर जो गेम प्ले है HDR के अंदर भी प्ले कर लो, हाई ग्राफिक्स के अंदर 60fps के अंदर आपको भाई सेम रिजल्ट आएगा, कोई लैग वगैरह कुछ देखने नहीं मिलेगा। और जो आईफोन 11 के अंदर भी जो पबजी का परफॉर्मेंस है भाई सेम देखने मिलता है, कोई मुझे ऐसा बड़ा ड्रास्टिकली चेंज देखने नहीं मिला। इसके अंदर भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुए, इसके अंदर भी फ्रेम ड्रॉप नहीं होते, सेम 60fps की परफॉर्मेंस आपको इसमें भी मिल रही है, इसमें भी मिल रही है। और भले आपका खेलने का मूड हो गया HDR के अंदर 60fps, एक्सट्रीम के अंदर शेडो हो गया, एंटीलाइजिंग हो गया, सब कुछ ऑन करने का मन हो गया सेम इसके अंदर भी, तो भाई दोनों के अंदर सेम परफॉर्मेंस लगी मुझे, कोई चेंजेस नहीं आया, सेम लगा। सो पबजी के लिए जाना चाहते थे अपना पैसा बचाकर आप आईफोन 10R की तरफ आराम से जा सकते हैं। इवन अगर आपका आईफोन 12 लेने का भी प्लान था ना, तो भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको लाइक इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप 10R की तरफ चले जाओ, 38,000 में काफी अच्छा डिवाइस देखने मिलेगा। हाँ आईफोन 11 कहाँ पे ज्यादा अच्छा लगा मुझे, कैमरा के मामले में। एक तो इसके अंदर वाइड एंगल कैमरा दिखने मिलता है, और जो मेन कैमरा भी है वो भी यहाँ पर मुझे इम्प्रूव लगा 10R से। सो यहाँ पर दोनों के अंदर जब मैं कैमरा कंपेरिजन करके देख रहा था, आईफोन 11 का कैमरा ज्यादा अच्छा बेटर निकल कर आता है। सो लो लाइट में भी काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा था, तो यहाँ पर आप कुछ सैंपल्स भी देख सकते हो, कैमरा कंपेरिजन दोनों के ले सकते हो और फिर आप एक आइडिया लगा पाओगे। सो यहाँ पर देखो दोनों सेम डिस्टेंस पे आपको देखने मिल रहा है फोन, और मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, सेम सामने
पर कितना ज्यादा वाइडर देखने मिलता है iPhone 11 के अंदर, और ये XR भाई साहब अपना थोड़ा सा फेस पे ज्यादा ही आ जाता है, और यहाँ पर खुद आइडिया लगा सकते हैं यार देख के कितना ज्यादा वाइडर देखने मिलता है आपको iPhone 11 के अंदर। और XR भाई साहब इधर है और 1080p 30fps में वीडियो ली जा रही है फ्रंट फेसिंग, यहाँ पर अभी बैक कैमरा से वीडियो ली जा रही है। तो यहाँ पर अभी iPhone 11 के अंदर तो आपको वाइड एंगल मिलता है, जो मैंने अभी स्विच कर दिया है ऑन द गो रिकॉर्डिंग के अंदर आप कर सकते हो। केबल मैनेजमेंट को हाइट छोड़ देना भाई, बहुत सारा काम चालू रहता है इसलिए सब इधर उधर पड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप वाइडिंग देख सकते हो कितना ज़्यादा वाइडर देखने मिलता है। बट अपना 10R के अंदर ऑप्शन तो नहीं आता है तो उसे इग्नोर कर देंगे। और इवन अगर आप इसे स्क्रोल या जूम भी कर सकते हो, सॉरी स्क्रोल बोल रहा हूँ, जूम कर सकते हो 11 के अंदर, और इसके अंदर आपको पिंच जूम करना पड़ेगा, बट अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, दोनों हाथ में फ़ोन है तो इसके लिए। और ये रिकॉर्डिंग बैक कैमरा से कर रहा हूँ, सो यहाँ पर भी क्वालिटी का भी आइडिया ले पाओगे और फुल ऑन स्मूथनेस भी पता चल जाएगी। सो आप जब यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ऑन द गो ही स्विच कर सकते हो वाइड एंगल के अंदर। सो बेसिकली आप व्लॉगिंग कैमरा एक ढूंढ रहे हो ना, आईफोन 11 एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। सो आईफोन 11 के अंदर आप जब फ्रंट फेसिंग कैमरा से वीडियो लोगे तो वहां पर आपको स्लो मोशन की भी मोड ऑन देखने मिल जाते हैं, और जब मैंने दोनों के अंदर सेम डिस्टेंस पे लाइक फॉर व्लॉगिंग के लिए समझ सकते हो, तो इस तरीके से अगर मैं कैमरा रखता हूँ सो यहाँ पर जो 10R है वो थोड़ा सा क्लोजर आता है, लाइक ऐसा अगर डिस्टेंस अगर हम करेंगे तो ऐसा लगता है कि सेम डिस्टेंस पर भी मुंह पे ज्यादा क्लोज हो रखा है। सो और वहीं आईफोन 11 के अंदर जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है ना वो फेस के ऊपर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एरिया कैप्चर करता है। सो यहाँ पर जो फील्ड ऑफ व्यू है ना जो फ्रंट फेसिंग कैमरा का, वो व्लॉगिंग के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। बेसिकली मैं कहना चाहूंगा इसके अंदर क्रॉप्ड आता है और इसके अंदर थोड़ा सा वाइडर देखने मिलता है फ्रंट फेसिंग वीडियो के अंदर। सो यहाँ पर आपको वीडियो के एंड में एक फाइनल कंक्लूजन यही देना चाहूंगा कि अगर आप एक गेमिंग डिवाइस ढूंढ रहे थे तो आप iPhone 10R की तरफ भी जा सकते हो, जो 60fps की परफॉर्मेंस है, HDR के अंदर भी खेलने का मन है तो कांस्टेंट आपको 60fps का गेम प्ले मिल जाएगा। अगर आपको चेकआउट करना है तो आई बटन में वीडियो मिलेगा पबजी का, जो मैंने iPhone 10R के अंदर किया। और वहीं यहां पर आपको iPhone 11 चाहिए तो पबजी तो ऑफकोर्स बेस्ट चलने वाली है ही, और उसी के बाद में जो कैमरा है वो ज़्यादा इंप्रूव देखने मिलता है मुझे iPhone 11 के अंदर, और बाकी जो डिस्प्ले हो गया, इनहैंड फीलिंग हो गया, सब कुछ मुझे सेम लगा, उसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। और उसी के बाद में यहाँ पर आप सोच रहे हो क्या मुझे iPhone 12 की तरफ जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये मानता हूँ कि A14 की बायोनिक चिप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने मिलेगी, पर अगर आपकी पबजी प्रायोरिटी थी तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप 10R की तरफ चले जाओ, और अगर आपको कैमरा थोड़ा सा मच बेटर चाहिए तो 11 की तरफ भी जा सकते हो, पर अगर आपको लेटेस्ट सब कुछ चाहिए, कैमरा भी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट चाहिए, तो मेरे हिसाब से iPhone 12 की तरफ जा सकते हो। बट जो सिनारियो है वो मैं आपको समझा दिया, अगर आप कंफ्यूज थे कि आपको iPhone 12 इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है तो आपको iPhone 11 की तरफ जाना चाहिए या फिर 10R की तरफ जाना चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए ही मैंने यहाँ पर iPhone 11 को परचेज किया था, ताकि मैं खुद यूज करूँ और उसके बाद मैं आपको सारी चीजें समझाऊँ कि iPhone 11, 12 और 10R जो भी क्या सब चीजें हैं और क्या सब डिफरेंस देखने मिलता है। सो यहाँ पर iPhone 11 का जैसे ही पबजी टेस्ट हो जाएगा उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। सो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा तो वीडियो का जो लाइक का टारगेट है उसे कंप्लीट कर देना, और बाकी मैं मिलता रहूंगा आपको और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। सो दोस्तों आज की इस तरह की पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।